80-90 की मीठी यादें बचपन, गांव की शादी की कुछ यादें। पहले गांव में ना टेंट हाउस थे और ना कैटरिंग थी, तो बस सामाजिकता। गांव में जब कोई शादी ब्याह होते तो घर घर में चरपाई आ जाती थी। हर घर से थड़िया लोटा कलछुल कड़ाही इकट्ठा हो जाता था और गांव ही की महिलाएं एकत्र होकर खाना बना देती थी। औरतें ही मिलकर दुल्हन तैयार कर देती थी और हर रस्म का गीत गाड़ी वगैरह भी खुद ही गा डालती थी। तब डीजे अनिल डीजे सुनील जैसे चीज़ नहीं होती थी और ना ही कोई ऑर्केस्ट्रा वाले फुफर गाने। गांव के सभी चौधरी टाइप के लोग पूरे दिन काम करने के लिए इकट्ठे रहते थे। हंसी ठिठौली चलती रहती और समारोह का काम काज भी। शादी ब्याह में गांव के लोग बरातियों के खाने से पहले खाना नहीं खाते थे, क्योंकि यहाँ बरातियों की इज्जत का सवाल होता था। गांव की महिलाएं गीत गाती जाती और अपना काम करती रहती। खाना परोसने के लिए गांव के लड़कों का गैंग एनी टाइम इज्जत संभाल लेते थे। कोई बड़े घर की शादी होती तो टेप बजा देते, जिसमें एक कॉमन गाना बजता था, मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है। और दूल्हे राजा भी उस दिन खुद को किसी युवराज से कम ना समझते। दूल्हे के आसपास नाव हमेशा रहता, टेम टेम पर बाल झाड़ते रहता था कंघी से और टेम टेम पर काजर पाउडर भी पोत देता था ताकि दुल्हा सुनर लगे। फिर दुवरा का चाड़ होता, फिर शुरू होती पंडित जी की महाभारत जो रात भर चलती। फिर कोहबर होता, ये वो रस्म है जिसमें दुल्हा दुल्हन को अकेले में 2 मिनट बतियाने के लिए दिया जाता, लेकिन इतने कम टाइम का कोई क्या खाप बात कर पाता। सवेरे खिचड़ी में जाके गाड़ी गाई जाती और यही वो रस्म है जिसमें दूल्हे राजा जेम्स ब्रांड बन जाते कि उनको मनाने कन्या पक्ष के सब जलघर टाइप के लोग आते। फिर एक जयघोष के साथ खिचड़ी के गोले से एक चावल का कन दूल्हे के होठ तक पहुंच जाता और एक विजयी मुस्कान के साथ वर और वधु पक्ष इसका आनंद लेते थे। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? प्लीज अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।